अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, समा के साथ मैं हूँ सारा बतूल और आज मेरे साथ मौजूद हैं हिलाल खान अफरीदी, CEO अलहाज ग्रुप। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक गाड़ी के तैयार होने में कितना टाइम लगता है और किन मराहल से वो गाड़ियाँ गुजर कर हम तक पहुँचती हैं? गाड़ी CKD कंडीशन में आती है, कम्प्लीटली नॉकडाउन जिसे कहते हैं, और यहाँ पे वेल्डिंग का प्रोसेस होता है, पेंटिंग का प्रोसेस होता है, और फिर बाकी जो ट्रिमिंग या असेंबलिंग होती है, एंड इट एंड्स विद द टेस्टिंग। तो ये चार मेन प्रोसेस होते हैं, बट इन बिटवीन ऑब्वियसली हर स्टेज पे डिफरेंट प्रोसेस होता है गाड़ी जो बनती है। जो द ओनली प्रोसेस जो यहाँ पे अभी करंटली हमारे यहाँ नहीं, जो नॉर्मली हर कार असेंबलिंग या मैन्युफैक्चरिंग में होती है, वो है यहाँ पे स्टैंपिंग में होती है, कि जो शीट मेटल पार्ट होते हैं, जो बॉडी के पार्ट होते हैं, वो पाकिस्तान में लोकली स्टैंप होते हैं। बहुत सी कंपनियाँ कर भी रही और हम भी इंशाल्लाह प्लान कर रहे हैं कि उसको करें। अच्छा, इस हवाले से मैं एक क्वेश्चन करूँगी कि अक्सर ऐसा होता है कि गाड़ी की बुकिंग हो जाती है और गाड़ी की पेमेंट भी हो जाती है, लेकिन उसमें फिर डिलेज आ जाते हैं, तो उस हवाले से आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजीज़ है, क्या फ्यूचर में आप लोग कंसिस्टेंट रहेंगे सप्लाईज़ के मामले में? हाँ, आई बी वेरी ऑनेस्ट, वी बीन हम काफ़ी अनलक्की रहे डिलीवरी के मामले में। इनिशियली जब हमने गाड़ी इंट्रोड्यूस की थी CBU में, उसके बाद से उसके 3 महीने बाद मलेशिया में लॉकडाउन लग गया था। वो लॉकडाउन स्ट्रेच होते होते 4-5 महीनों, बिल्कुल उसी दौरान हमने यहाँ पे लोकल प्रोडक्शन का भी प्लान किया हुआ था, तो ओवरऑल हमारे गाड़ियों की डिलीवरीज में डिले आई थी और काफ़ी कस्टमर इस पर हमारे से नाराज़ भी है, और बिल्कुल उनका हक भी बनता है। बट कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स थे, पहले लॉकडाउन थे, फिर अभी रिसेंटली पिछले 6 महीने से गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है इम्पोर्ट्स पे, LC आप नहीं खोल सकते, लेकिन वी आर वर्किंग अनटायरिंगली एंड हम सॉल्यूशंस की तरफ होकर, जो हमारी पेंडिंग बुकिंग्स वगैरह जो लॉन्ग स्टैंडिंग थी, वो तो तकरीबन हमने सारी क्लियर ऑफ कर दिए। सो नाउ वी आर वर्किंग ऑन जो डिलीवरी है कमिटमेंट के साथ, हम आगे कस्टमर्स को दे दें। एक मॉडल जो हमारा प्रोटॉन सागा है, वो दैट्स ऑलरेडी विद 60 डेज की डिलीवरी पे वो कस्टमर्स को मिल रही है, एंड प्रोटॉन X70 फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर वो भी इस तरह होगा। तो वी आर वर्किंग हार्ड एंड आई एम श्योर इन कमिंग डेज जो द टीम हेयर एट अलहाज एंड ऑल्सो प्रोटॉन आर प्रिंसिपल विल ओवरकम दिस इशू और हमारे सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएंगे डिलीवरी के हवाले से। और अभी आपको पता है बारिशों से रोड्स की क्या कंडीशन हो गई, तो उस हवाले से आप लोगों ने कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए हैं? किस तरह आपने अपनी गाड़ी को पायदार बनाया, क्या क्वालिटी ऐड की है, कोई ऐसे फीचर्स जो अब आपकी गाड़ियों को इन सब कंडीशन से केटर करती है? प्रोटॉन की एक जो खासियत है वो इसकी सस्पेंशन की है, जो आपने खड्डों की बात की उसकी की है, तो इट हैज़ अ वेरी स्मूथ ड्राइव प्रोटॉन, बिकॉज वो रेसिंग कार्स भी बनाते हैं, तो उसकी वजह से जो है उनकी जो हैंडलिंग है या इनकी जो बाकी रोड टफनेस है, इट इज़ एट पार विद ऑल द बेस्ट कार मेकर्स इन द वर्ल्ड। मैन्युफैक्चरिंग और डिलीवरी के दौरान जो कस्टमर से ऑन मनी प्रीमियम के नाम पे पैसे लिए जाते हैं, उसके हवाले से आपका क्या ख्याल है? पर्सनली तो मेरा हमेशा से आई हैव ऑलवेज बीन एडवोकेट कि ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए, एंड जब भी मुझे मौका मिलता है, हमारी कंपनी को मौका मिलता है कहीं पर गवर्नमेंट इदारे में बात करने की, तो उसके लिए हमारी हमेशा यही होती कि गवर्नमेंट को ऐसे कुछ पॉलिसीज़ रखनी चाहिए। ऑल दो इल्ज़ाम सारा कार मेकर्स पे लगता है, लेकिन कार मेकर्स को जो है ना उसमें कोई फ़ायदा नहीं, तो वो तो डीलर्स और इन्वेस्टर के बीच में ही ये सारा ऑन का चल रहा होता है। अलहाज जो है अपने तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ में या कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो यही होता है कि गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ ऐसे करनी चाहिए कि जिससे ओन या प्रीमियम जो है ना वो ख़त्म किया जाए। एंड आई थिंक इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, बट आई थिंक देर आर सम एरिया जहाँ पे गवर्नमेंट जो है उस तरीके से वो पॉलिसीज नहीं बना पा रहे जिससे ये कम या ख़त्म किया जा सके, बट वी आर टोटली अगेंस्ट दैट एज अ कंपनी कि ओन या प्रीमियम जो है ना कस्टमर को चार्ज किया जाए। अच्छा हिलाल साहब, पाकिस्तान में जापानीज गाड़ियों को बहुत प्रेफरेंस दी जाती है, डिमांड है, यू नो दैट, तो आपकी गाड़ियों में ऐसे क्या फीचर्स हैं जो लोग कस्टमर्स आपकी गाड़ियों की तरफ अट्रैक्ट होंगे? हमारी जो दोनों गाड़ी जो हमने इंट्रोड्यूस की है वो अपनी कैटेगरीज के दे आर कॉल्ड द सेफेस्ट कार्स इन देयर कैटेगरी। प्रोटॉन सागा जो है अपने कंपटीशन के मुकाबले में वी हैव एडिशनल फीचर्स जिसमें ब्रेक असिस्ट है, डाउनहिल असिस्ट है, वी हैव एयर बैग्स, वी हैव ABS+ EBD,
सो ये चीज़ें जो है ना, जो स्टैंडर्ड, जो इट्स लाइक वन ऑफ द सेफेस्ट इन इट्स कैटेगरी. फिर हमारी प्रोटॉन X70 है, उसमें अगेन वी हैव 6 एयर बैग्स, वी हैव ड्राइविंग असिस्टेंस फॉर द ड्राइवर, एंड विद दैट हमारे वॉइस कमांड भी है. और जो राइड एंड हैंडलिंग है वो तो मतलब है वेरी यू नो इट्स फेमस वर्ल्ड वाइड फॉर प्रोटॉन कार्स. तो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी इट्स राइट अप देयर. जो कंपटीशन है उसके जो पाकिस्तान में जो क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स है जो वो है उसको बिल्कुल हम वी आर अप देयर एट द टॉप. अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान आप लोग किस तरह क्वालिटी पे वर्क करते हैं, क्या आप लोग प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हैं? मंथली बेसिस पे भी हमारे ऑडिट्स होते हैं जो शेयर किए जाते हैं प्रोटॉन के साथ, और यू नो दोज हमें कुछ स्टैंडर्ड्स दिए गए जिसको हम फॉलो करते हैं. एंड द कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी इज़ अप देयर. अभी तक हमने तकरीबन कोई 4,500 गाड़ी बना चुके हैं, एंड दे क्वालिटी वाइज दे डूइंग वेरी वेल. आई मीन देयर इज हार्डली एनी इशू फ्रॉम द मार्केट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, बट वी आर यू नो डूइंग एवरीथिंग. जो हमारे आजकल की वर्ल्ड क्लास एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में होती है, वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन फैसिलिटी में अवेलेबल है, एंड दैट इज हेल्पिंग us to give good quality cars. So this was all from us today. Thank you so much for joining us.